राइट सो गाइस, कैसे हम सब, उम्मीद करता हूँ हम सब खैर खैरियत से होंगे। सो आज अभी हो रहा है 1:30 और खुतबा पीछे चल रहा है, जुमे का दिन है। सो अभी चलते हैं नमाज़ पढ़ने और आपसे नमाज़ पढ़ के मिलते हैं। सो लेट्स गो। नमाज वगैरह से फारिग हो गए थे, सो चलते फ्री हो गए, चलते घर और फिर चलते खा रहा खाते खाने में दाल चावल। सो वही खाना खाते हैं और आपसे खाना खा के मिलते हैं। सो ओके डूड, खाना वाना खा के तो आ गए थे। खैर पार्क में थोड़ा एंजॉय करने आया, मैं बोला घूम फिर लेंगे। सो ये पार्क में आया तो मुझे एक चीज़ दिखी, मैं तुम्हें नदी में चीज़ दिखाता हूँ। तुम देख रहे होगे नदी में वो कोने में तुम्हें एक बत्तख दिख रही होगी, ये जो अंदर चलेगी। और टोटली इस नदी में टोटल तकरीबन 10-12 बत्तख हैं और टोटली यूनिक हैं। और मतलब रेडिश टाइप की या ग्रीन टाइप की, वो देखो तुम देख रहे होगे, वो तुम्हें नज़र आ रही होगी छोटी छोटी सी, मतलब इतनी इतनी छोटी छोटी सी हैं। खैर से पूरी बाहर नहीं आ रही, मतलब बाहर आती हैं मछलियाँ, मतलब इसके अंदर ही मछलियाँ हैं। सो आती हैं मछली खाती हैं वापस अंदर चली जाती हैं, उड़ उड़ के मछलियाँ खा रही हैं। तो काफ़ी मतलब वैसे तो गंदी नदी है, टोटली है गंदी नदी है। और मतलब बत्तखें बहुत यूनिक टाइप की है, वो देखो वो बाहर आई, वो तुम्हें दिख रही होगी शायद, वापस अंदर चली गई। और वैसे जो ये पार्क है तकरीबन ये 4 बजे का टाइम खुल जाता है, और मतलब बच्चे मैच खेलने आए हुए हैं और मतलब फैमिली टाइप भी है, फैमिली भी आई हुई है, फैमिली टाइप भी माहौल है यहाँ पर। सो तुम देख सकते हो अभी तकरीबन आना शुरू हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। सो ये सीन है। पार्क का इन जहाँ से अपन इन होते हैं, सो मतलब कुछ इस टाइप का बनाया हुआ है इन्होंने। और मतलब फैमिली भी आई हुई है, बच्चे भी आए हुए हैं, मतलब क्रिकेट विकेट खेलने। सो मैं तुम्हें घुमाता हूँ और आगे, काफ़ी यूनिक और डिफरेंट बनाया हुआ है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ टिकटॉकर आए हुए हैं। मैं पागल वागल हो गया, रिवाइंड करूँ जरा। ये रास्ता है बाहर निकलने का और आई थिंक ये यूनिवर्सिटी का बैक साइड है जहाँ से निकलते हैं। और ये सीन है, वो जा रहा है क्रॉस में। सो बट वैसे काफ़ी अच्छा माहौल है, मतलब कोई वैसा नहीं है, कोई काफ़ी मतलब अच्छा बेटर माहौल है यहाँ का, फैमिली टाइप माहौल है। आराम से आप, अगर आपको मतलब रिलैक्स चाहिए तो आप यहाँ आके बैठ जाओ, सुकूनदार माहौल है, कोई मतलब कोई शोर शराबा कुछ नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल सुकूनदार है। ये देखो काफ़ी बड़ा भी है डूड ये। और वहाँ पर दो बहन भाई बैठे हुए थे जिनको हमने मतलब डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा, आगे आपको समझदार है। सो भाई यहाँ से चलते हैं, पीछे इसके बैग पे एक नदी है, वहाँ लेके चलता हूँ मैं। और यहाँ पर एक शेर भी है जिसको खुला छोड़ दिया है जंगल से, जैसे कि आप देख सकते हो। ओए भग भग भोसड़ी का चला जा भोसड़ी के। ये है मतलब पार्क का, फिर बैक साइड पे आ जाते हैं जहाँ पर नदी है। सो भाई
ये चीज चेक करो वहां से, मतलब शुरू होके काफी यूनिक है और बड़ा है, तो यहाँ पे खत्म हो रहा है। A few moments later. वाटर कुछ खाना वाना डाला इसको अंदर? क्या डाला था? छोटी मछली के साथ मछली आ गई। क्या मर गई? ये से नाटक कहीं गुम छीते बच्चे मछलियाँ पकड़ते हुए। खैर इस पार्क की मैं तुम्हें एक और बात बताऊँ जो अनएक्सपेक्टेड है। वो कहा जाता है कि मतलब मगरिब के बाद इस पार्क में आना अलाउ नहीं होता काफ़ी, क्योंकि काफ़ी दफ़ा कुछ मतलब बुरी चीज़ें देखी गई हैं इस पार्क के अंदर। सो मतलब अलाउ नहीं करते, कहते हैं कि अवॉइड करो थोड़ा आने से, क्योंकि पार्क भी तो थोड़ा ऐसा ही है। और यहाँ हमें एक सेलिब्रिटी मिली है जो कि जिनका नाम है डकी भाई। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखिए भाई अकेले नहीं आए, पूरी फैमिली के साथ आए। सुबह ये सीन था। सो इस व्लॉग को करते यही हैं। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। सो प्रेस द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू द नेक्स्ट व्लॉग। बाय।